सीमांचल के चार सीटों की अगर बात करें तो तीन सीटों पर एनडीए अभी बढ़त बनाए हुए हैं जिसमें किशनगंज में एनडीए ने करीब चौदह हज़ार वोटों का बढ़त बना लिया है उसके अलावा आप किशनगंज के अलावा अगर देखें तो जो कटिहार है कटिहार में करीब अठारह सौ वोटों का बढ़त बना लिया है जदयू ने और अररिया सीट पर करीब दस हज़ार वोटों का बीजेपी ने बढ़त बना लिया है वहीं पूर्णिया में मामला उलट हो गया है और पप्पू यादव ने करीब 400 वोटों का बढ़त बना लिया है वोट वाइज अगर हम बात करें तो किशनगंज में अभी मुजाहिद आलम जो जदयू से पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें साढ़े तैंतालीस हज़ार वोट आ चुके हैं और तेरह हज़ार तीन सौ चौदह वोटों के साथ वो बढ़त बनाए हुए हैं दूसरे स्थान पर कांग्रेस के डॉक्टर जावेद आजाद तीस हज़ार दो सौ पाँच वोटों के साथ हैं और तीसरे स्थान पर ए आई एम आई एम के अख्तर इमान करीब चौबीस हज़ार वोटों के साथ हैं जावेद आजाद मुजाहिद आलम से करीब तेरह हज़ार वोटों से पिछड़े हुए हैं और अख्तरलीमान मुजाहिद आलम से करीब उन्नीस हजार वोटों से पीछे चल रहे हैं तो ये स्थिति अभी किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की है दिन के साढ़े दस बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वहीं कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में दुलाल चंद्र गोस्वामी ने लीड ले लिया है मार्जिन वहां पे कम है अठारह सौ पंद्रह वोटों के साथ दुलाल चंद्र गोस्वामी पहले स्थान पर हैं टोटल उन्हें इकतीस वोट आए हैं और दूसरे स्थान पर तारिक अनवर हैं उन्हें करीब साढ़े उनतीस हज़ार वोट आए हैं तो ये स्थिति कटिहार की है कटिहार की वही हम बात करें कि टोटल अभी कितने वोटों की गिनती हो चुकी है तो कटिहार में अभी छसठ हज़ार सड़सठ हज़ार कह सकते हैं आप कि वोटों की गिनती हुई है तो यहाँ अभी मामला अभी बहुत पीछे है क्योंकि एक लाख वोटों की भी गिनती यहाँ पे नहीं हुई है किशनगंज में कुल वोटों की कितने वोटों की गिनती हुई इसकी बात करें तो किशनगंज में करीब नब्बे हजार वोटों की गिनती हो चुकी है तो ये यहाँ भी मामला बहुत अभी बहुत काउंटिंग अभी बाकी है ये कह सकते हैं आप क्योंकि यहाँ पर साढ़े ग्यारह लाख की पोलिंग हुई है और एक लाख का भी अभी वोट काउंट नहीं हुआ है वहीं अररिया की बात करें तो अररिया में दस हज़ार वोटों के साथ प्रदीप कुमार सिंह जो सिटिंग सांसद हैं भाजपा के वो के मार्जिन के साथ आगे चल रहे हैं और टोटल उन्हें करीब पैंतीस हज़ार वोट आए दूसरे स्थान पर चौबीस हज़ार छः सौ उनचालीस वोटों के साथ राजद के शाहनिवाज हैं और तीसरे पर बीएसपी है अररिया में टोटल वोटों की काउंटिंग कितनी हुई है लगभग बहत्तर हज़ार वोटों की काउंटिंग हुई है यहाँ भी करीब क्योंकि बारह लाख की पोलिंग हुई थी तो यहाँ अभी बहुत पीछे है क्योंकि एक लाख वोटों की काउंटिंग नहीं हुई है तो अभी तस्वीर क्लियर आप नहीं कह सकते हैं कि कुछ हुआ है अररिया में भी उसी तरीके से पूर्णिया में बात करें तो पूर्णिया में शुरुआत शुरू में संतोष कुशवाहा लीड लिए हुए थे लेकिन अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं पप्पू यादव वो 480 वोटों का लीड ले चुके हैं और वो 20,307 वोट उन्हें टोटल आए हैं और उन्नीस हज़ार वोटों के साथ संतोष कुशवाहा दूसरे स्थान पर हैं पूर्णिया में कुल कितने वोटों की गिनती हुई है तो यहाँ अभी 50,000 वोटों की भी गिनती नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अर्ली रुझान है काफ़ी शुरुआती रुझान है अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा क्योंकि जब बारह तेरह हज़ार वोटों की यहाँ भी लगभग ग्यारह ग्यारह बारह हज़ार वोटों वोटिंग हुई है और एक लाख वोटों की भी गिनती नहीं हुई है तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है तो काफ़ी अर्ली रुझान है लेकिन तस्वीर फ़िलहाल ये है कि सीमांचल के किशनगंज सीट पर जदयू लीड कर रही है अभी और कटिहार सीट पर जदयू लीड कर रही है अभी अररिया सीट पर बीजेपी लीड कर रही है और पूर्णिया सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव जो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस में है या जीतेंगे अगर हारेंगे तो कांग्रेस में ही रहेंगे ऐसा अभी लग रहा है तो वो अभी लीड लिए हुए तो ये सीमांचल की अभी ताजा तस्वीर है